हेलो गाइस, नमस्कार। आज मैं वेलकम टू माय ब्लॉग आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज बाबू की समर वेकेशन की हॉलीडे छुट्टी हो रही, तो लास्ट डे वर्किंग डे है, फन डे है। तो मैं आज सोती इसको कवर करती हूँ, दिखाती हूँ आप सभी को। तो मैं स्कूल में जब जाती हूँ सब कुछ मैं कवर करके आप दिखाऊंगी, आप लोग इन्जॉय करिए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं इंटरेस्टिंग इसी तरह वीडियो डालती रहूँगी आपके साथ, अपने अनुभव प्रेस करती रहूँगी और ये जो मैं डेली क्या करती हूँ वो सब मैं डालती रहूँगी। ओके, मिलते हैं। तो मैं स्कूल आ गई हूँ और बच्चे का लास्ट डे है, तो मैंने सोचा हॉलीडे होने वाला है तो मैं ब्लॉग बना लूँ। शशांक, कैसा रहा आज का डे? बढ़िया रहा, कुछ प्ले हुआ? फन डे हुआ? ये क्या क्या बैग में रखे हो, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और ये मेरी फ्रेंड है, इनसे मिलिए। और आप स्कूल का भी व्यू कर सकते हैं साथ ही में, स्कूल का व्यू कर लीजिए। देखिए टाइटैनिक इनका बहुत पहले का बना है, मगर ये ले आए हैं दिखाने के, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए ले आए हैं। अब देखिए सेकेंडरी के बच्चे आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मगर अब हम पार्क जाएंगे क्योंकि लास्ट वर्किंग डे और फन डे भी है। तो पिछली बार भी ब्लॉग बनाए थे जब विंटर हॉलीडे थे, अब ये समर वीकेशन वाला है तो इसमें भी हॉलीडे बना रहे हैं। बच्चे के साथ जाएंगे भी पार्क, वहाँ खेलेंगे कूदेंगे। आज मेरी मेड जल्दी आ गई थी तो उसे काम निपटवा लिए थे, तो उसके बाद ही आप मुझे थोड़ा दिखा दें। क्या देखो, मेरी मेड आ गई थी तो मैं जल्दी निपटा के मैं सोची अब जाऊँगी पार्क के साथ खेलूंगी। सब बच्चे जा रहे हैं, थोड़ा भीड़ कम होगी तो चलते हैं, कोई है तो है नहीं, बस कम लोग आए तो बस मिलते हैं पार्क में। शशांक सी से चलो, मम्मा कितनी भीड़ है यार। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा पीछे का व्यू करा दो। थोड़ा केंद्रीय विद्यालय के गेट का भी दिखा सकते हैं, इधर से आते हैं। लोग देख सकते हैं आज लास्ट वर्किंग डे, मतलब लास्ट हॉलीडे का डे था, तो आज मैं बच्चे को पार्क ले जा रही हूँ। तो हाफ डे था, फन डे था, तो पार्क ले जा रही हूँ। धूप भी इतना नहीं है तो बच्चे को खिला दी और साथ ही ब्लॉग बना के आप लोग को देती हूँ। आप लोग इस तरह टेस्टिंग देखते हैं मेरा। देखिए साइकिलिंग भी चला रही, बहुत दिन बाद ही बाहर निकले मैं भी बाहर। तो इस तरह इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखते हुए आप मुझे भी बहुत सब्सक्राइब लाइक शेयर करना पड़ेगा। देखिए मेरा बेटा सबसे आगे ही निकला जा रहा है, आना चाहिए था पीछे, आगे ही निकला जाता। बेटा आज बड़े वाले पार्क नहीं चलोगे, यहाँ चलोगे साइकिल, फिर वहाँ चलो, फिर वहाँ चलते खेल लेते बॉल वॉल। बड़े पार्क में चलते बॉल वॉल खेल लेते। बॉल? हाँ बॉल आप खेलते भी कहाँ है, क्यों नहीं खेलेंगे, खेलते बढ़िया तो चलो फिर, इधर सही ना लगे तो फिर इधर आ जाएंगे। ठीक है चलो। आपको ये छोटा वाला पार्क दिखाते हैं,
ये मेट्रो के पास है और बड़ा वाला पार्क इधर है, इसमें लगता है हम वीडियो बनाते हैं। आप लोग देख सकते हैं छोटा पार्क है, शशांक आ गए हैं। ये पहले पार्क नहीं है दोस्तों, ये दूसरी जगह चले गए थे तो हम उनको बुलाए। देखो ये देखो छोटी सी कैट है, उसको भी देख सकते हैं, पता नहीं किसकी है। अभी इसको भी कवर कर लेती हूँ वीडियो में। पुसी 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 ये भी आ रही है। अब देख लीजिए ग्रीनरी तो बहुत अच्छी खासी है, यहाँ भी ये लोग योगा वोगा करते हैं, यहाँ जिम वाला भी है। बेटा आइए जल्दी खेलिए चल के। और देखिए यहाँ पर इधर आप देख सकते हैं झूला वूला भी है, और इधर हम लोग झूला झूलते हैं। तो जब आज हम लास्ट फ्राइडे अभी जब रोड डेली आएंगे शाम को, मॉर्निंग में भी आएंगे शाम को, क्योंकि छुट्टी तो हो गई, अब छुट्टी से फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से आएंगे, झूला झूलेंगे, मुझे इनको खिलाएंगे प्लेंग करेंगे। यहाँ नहीं आएंगे हम लोग, बड़े पार्क से आएंगे। यहाँ पर तो आज शशांक का मन था तो इस वजह से हम आ गए। यहाँ साइकिल यहीं पर रख दो अपनी, यहाँ पर गिर जाएगी, देखो टूट जाएगा साइकिल ऐसे करते हो। यहाँ देखो शशांक को, देखो कैसे बिल्ली को, बिल्ली को पीछे बहुत काट लेगा, बिल्ली काट लेता है। हाँ ये काट भी लेता है, बार वाइट नाना रखे थे ना वाइट वाला, तो वो तो घर का था ना, बाहर के कोई आता था तो काट लेता था। चलो हम साइकिल के लिए झूला झूलते हैं, चलो आया झूला झूला। बिल्ली देख रहा था, बिल्ली ये देख रही क्या इतना बड़ा डॉगी, तो क्या करना था अभी, क्या था अभी देख रही क्या, नहीं बाकी से डॉगी बड़ा है। मैं साथ छोड़ूंगा मैं तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाम में उड़ान कर लूंगा, मैं तेरी बन जाऊंगी, मैं तेरी बन जाऊंगी। मिल गई है एक फ्रेंड, नन्ही सी फ्रेंड, अब उसके साथ खेल रहे हैं, मस्ती हो गई है, खेलो अब इंजॉय कर लो, तुम्हें तो पार्टनर मिल गया खेलने के लिए। ये क्या अब गर्ल है कि बॉय? अच्छा इनको तो मस्ती के लिए चाहिए, खेलने के लिए कोई आजकल कोई आता नहीं ना पार्क में, शाम के टाइम आते हैं। हाँ धूप मतलब आज इसका बाबू का हाफ डे था तो हम ले आए, तो हम गए चलो हाफ डे है चलो इनको पार्क में घुमा लाते हैं, अब छुट्टी भी हो गई इनकी स्कूल। हाँ मौसम देखिए आज अच्छा है, आज मतलब घूमने वाला ही मौसम है। ये देखिए बाबू को एक दोस्त मिल गया है नन्हा उस्ताद, तो उसके साथ देखिए कैसे खेल रहे हैं। देखो इनको कोई मिल जाए तो उसके साथ मस्ती पूरा करते हैं। देखिए मौसम कितना अच्छा है, बिल्कुल बारिश वाला बन रहा है। देखिए आप क्लाउड देख सकते हैं, कितने सारे क्लाउड हैं, मगर बारिश तो नहीं होगी अभी, तो अच्छा है। मुझे मेरा मुझे धूप बहुत ज़्यादा लगता है, ये वाला मौसम मेरे लिए ठीक है। मौसम है
सकते मैं झूला झूल रही थी बाबू के साथ आई हूँ, तो मैं भी झूला झूलती हूँ, खूब मजे करती हूँ। बिल्कुल मैं बच्चों के साथ बच्चे झूलाती हूँ, जैसे नरेंद्र मोदी जी ना पर्सनालिटी जैसे लोग होते हैं उनके साथ वैसे बन जाते हैं, मैं भी वैसे ही बन जाती हूँ। बूढ़ों के साथ बूढ़े, बच्चों के साथ बच्चे, जवानों के साथ जवान, ऐसे मैं हूँ। देखिए बच्चों के साथ बिल्कुल मैं बच्ची बन जाती हूँ। देखिए उधर का व्यू देख लीजिए, उधर भी मस्ती चल रही है, छोटे बच्चे मस्ती कर रहे हैं। देख सकते हैं, आपको भी ऐसे अपने अपने आप को बनाना चाहिए, मतलब बच्चों के साथ बच्चे बनना चाहिए, बूढ़ों के साथ बूढ़े बनना चाहिए, जवानों के साथ जवान बनना चाहिए। ऐसे अपनी पर्सनालिटी क्रिएट करें जिसमें आपको कहीं भी रहने में दिक्कत ना हो, आराम से एडजस्ट कर लेंगे। क्योंकि आप एंग्री यंग मैन बने रहेंगे, यंग एंग्री जैसे, तो मतलब एक ही पर्सनालिटी रहेगी ना, और आप लोग आपसे लोग बोर भी हो जाएंगे, आप बूढ़े भी हो जाएंगे, जल्दी से उम्र से पहले आपके दांत गिर जाएंगे, आपके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और आपकी चूड़ियाँ पड़ जाएंगी, आप 100-200 साल के लगने लगेंगे, जैसे होंगे 20-25 साल के लगेंगे 100-200 साल के। तो इससे अच्छा है अपनी पर्सनालिटी चेंज करिए, बच्चों के साथ बच्चे बने कि बचपना करने से बच्चे कितने क्यूट होते हैं, और बचपना तो ज़्यादा ही करिए, कुछ पागलपंती भी कर सकते हैं, पागलपंती से भी थोड़ा यंग रहते हैं। तो ये मैं ट्रिक दे रही हूँ आप सभी को, ये ट्रिक से आप हमेशा यंग रहेंगे और जवान रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। तो आप लोग तो ऐसे ही करिए। तो गाइस आप देख सकते हैं आप कौन से जानवर की आवाज़ निकाल सकते हैं, मैं बिल्ली की आवाज़ निकाल सकती हूँ, बहुत प्यारी सी निकालूँगी, अभी सुनिएगा। मेरा बेटा निकल रहा है, आप कौन से जानवर की आवाज निकाल लेते हो? ये डॉगी। डॉगी निकालो, निकालो जल्दी से, डॉगी निकालो जल्दी से, निकालो आवाज, निकालो, बोलो बोलो। ये डॉगी का डॉगी भोंके करता है, भोंके, ओह बहुत अच्छे, वेरी गुड। हां मैं बिल्ली जैसे निकाल लेती हूं, और खरगोश की कौन निकाल लेता है, और शेर की कौन निकाल लेता है, शेर की आवाज निकालो, शेर की। शेर की आवाज निकालो, शेर की आवाज निकालो, दहाड़ रहा है शेर। बिल्ली की आवाज बहुत परफेक्ट आती है, म्याऊ म्याऊ। तो आप लोग भी गाइस बताइएगा कौन कौन सी जानवर की आवाज आप लोग निकाल लेते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। ओके बाय, टेक केयर। ये देखो ये छोटा पैकेट है, ये बड़ा पैकेट है, जॉय शिवाय, शिवाय, यही शिवाय भी इनके बुआ के लड़के का भी नाम है, इसका भी शिवाय नाम है। वेरी गुड, वेल डन, भगवान शिव के नाम से। इनका भी नाम है शशांक शेखर, स्कूल का नाम है, घर का नाम है कृष्ण, दोनों मतलब भगवान के ही नाम है। साइकिल चला लो, गिरा नहीं, नहीं देखो बड़ा पैकेट ने छोटा पैकेट को बैठा रखा है, शशांक ने शिवाय को बैठा रखा है।
ऐसे छोटा पैकेट बड़ा पैकेट पे बैठा है, ये छोटा पैकेट है शिवाय और ये है शशांक। देखो कैसे झूला झूला रहा है, ओ मजे आराम से, देखो कितना मजा ले रहा है शिवाय, कितना खुश है, ओ बहुत मजे आ रहे हैं ना शिवाय। शिवाय कितने साल के हो तुम? शिवाय कितने साल के हो बताना अपनी एज, शिवाय तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे है ना। कितने साल का? वन। ऐसे शशांक भी छोटे थे तो ऐसे थे, मस्ती करते थे। ओ मजा लियो, मजा रखो। इनको कोई छोटा बच्चा मिल जाए बस, कोई छोटा बड़ा मतलब अकेले नहीं, उसके साथ खेल खुश हो जाते हैं, फिर मम्मी पापा नहीं फिर बच्चे के साथ ही खेलेंगे। कोई मिल जाए बस खेलने के लिए। हम लोग तो बड़े पार्क जाते हैं, इधर जो पीछे वाला पार्क नहीं है वो मतलब बैडमिंटन बहुत गेम खेल सकते हैं। यहाँ कभी कभार ये शशांक का आज मन था तो यहाँ आ गया। नहीं करेंगे आज, वीडियो बना रहे हैं, आज वीडियो के लिए स्पेशल आए थे इसलिए वीडियो बना रहे हैं। शशांक से मिल लो, कल अपने भाई को भी लेके आना ठीक है, तो उसके साथ शशांक खेलेंगे। मजा आया ना शशांक को? तो बहुत मजा आया। शिवाय एंड शशांक बाय, शिवाय बाय, बाय, कल मिलते हैं, बाय बाय बाय। ये देखिए मेरा बेटा अकेले झूला शिवाय चला गया है, तो अब बाबू अकेले हो गए हैं, अकेले झूला झूल रहे हैं। ये वाला झूला मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट झूला है ये, इसमें बहुत मज़ा आता है, बिल्कुल मैं खो जाती हूँ उस झूले में, इतना अच्छा लगता है मुझे। और अभी मैं और भी दिखाऊंगी जो मैंने कभी नहीं किया है, तो वो चीज़ भी आपको दिखाती हूँ तो आप लोग देख सकते हैं। हाँ वो सरप्राइज है, बफेलो। ये रुका, नहीं मेरे को मकड़ी है, मकड़ी मर जाएगी, रहने देते हैं, मर जाएगी। नहीं रुको, मैं तो उस घर से, तुम चलो खा रहे यार, ऊपर पहन के ऐसे मर जाएगी। देखिए दोस्तों मकड़ी है, मकड़ी को नहीं मारेंगे ना, वो निकल जाए, मकड़ी निकल जाए। आप आओ चलो, तुम चलो, अगर बासी ना भी आ रहा है मकड़ी की तरह, अरे फिसल जाए वो, अच्छा वीडियो नहीं बनेगा दोस्तों। देखो मैं कितना पास आके स्लाइड से, चलो, मैं बड़ा छड़ कर आया हूं। देखो वीडियो बनना, मेरा राधा कृष्ण बनी है, अरे दोस्तों जैसे कृष्णा जी बनी है ना वैसे बताओ क्या बनेगी। अबे बिल्ली की आवाज में बात करेंगी। मम्मा दोस्तों सुनो ना, दोस्तों बात करना चाहते बिल्ली, कैसा मैजिक होगी बिल्ली से बात करने का। बिल्ली आप बोलेंगी बिल्ली की तरह, म्याऊं म्याऊं करेंगी। नहीं असली बिल्ली के पास जाओ ना, असली बिल्ली के पास जाओ ना। अरे असली बिल्ली के पास जाओ ना, असली बिल्ली के पास जाओ ना यार, असली बिल्ली के पास जाओ। असली बिल्ली के पास। देख सकते हैं ये वाला झूला हम झूल रहे हैं, अकेले ही झूला झूल रहे हैं। देखो मजा ले रहा है, मैं बच्चा बन गई हूँ, सबसे छोटा वाला बच्चा। अब मेरा बेटा वहाँ बैठा है। मौसम कितना अच्छा हुआ है, बिल्कुल मजा आ गया, इतना अच्छा मौसम कभी कभी होता है ऐसा मौसम। ये देखो मेरा बच्चा आ गया,
एक बच्चे के साथ दूसरा बच्चा। आई कृष्ण नहीं ऐसे मत करो गिरेगी, मुझे चक्कर आ रहा, चक्कर आ रहा, नहीं करो नहीं करो। देखिए बारिश होने जा रही है तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं, टाटा बाय बाय। अरे चलो जल्दी करो भाई।